तो आइए बच्चों, जो आपका ट्रायंगल चैप्टर है क्लास टेंथ का, उसमें 6.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए गए हैं और आपको स्टेटमेंट दी गई है, उसको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू टेल यू कि यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट की वीडियो है आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ और इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ऑल सर्कल्स आर, आपको ब्रैकेट में दिया गया है, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, और यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ कि क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी आपने 9th में की है और सिमिलरिटी मैंने आपको करवाया है कॉन्सेप्ट्स में। तो ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, तो कॉन्ग्रुएंट होता क्या है? तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट ऐसे फिगर्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो क्या होते हैं, आपके एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, सेम साइज एंड सेम शेप के होते हैं। अगर हम उनको ओवरलैप कराने की कोशिश करेंगे तो वो ओवरलैप भी हो जाएंगे। जैसे सपोज करिए मैं सर्कल बना देता हूँ, दो सर्कल और दोनों की ही रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल मैंने यहाँ पर बनाया और दोनों की ही रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो अगर दोनों की ही रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली मैं अगर इसको उठा करके यहाँ पे लेकर आऊँगा तो ये पूरा का पूरा मर्ज हो जाएगा। दैट मीन्स वो फिर आपको एक सर्कल की तरह दिखेगा, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया गया है ऑल सर्कल्स, तो ऑल सर्कल्स की क्या रेडियस जितने भी एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करेंगे सर्कल, क्या 2 सेंटीमीटर तो नहीं होगी? और अगर 2 सेंटीमीटर नहीं होगी डेफिनेटली स्टूडेंट्स, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि उनका शेप क्या होगा, सेम होगा, जबकि साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? सिमिलर क्यों हो रहे हैं? डेफिनेटली स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। आइए नेक्स्ट में देखते हैं। ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर, तो स्क्वेयर को अगर मैं आपको बना करके दिखाता हूँ तो डेफिनेटली स्क्वेयर में भी सेम चीज़ फॉलो होगी। आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जैसे एक स्क्वेयर आपने ये बनाया और उसके बाद एक स्क्वेयर आपने ये बना दिया, तो आप बताइए अगर इस स्क्वायर को आप उठा करके यहाँ पर लेकर के आएंगे तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता, फिर क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। दैट इज ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर आइसोसेलिस या फिर इक्विलेटरल। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, आइसोसेलिस ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल डेफिनेटली क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि आइसोसेलिस में सिमिलरिटी पॉसिबल नहीं होगी। तो इक्विलेटरल में क्या होगा कि ऑल साइड्स क्या हो जाएंगी, आपकी इक्वल हो जाएंगी, और अगर ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, एक सिमिलरिटी होगी। दैट मीन्स कि उनकी जो साइड्स का प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये क्या होगा, आपका आइसोसेलिस नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल हो जाएगा। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, ये आपका इक्विलेटरल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स अबाउट प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या होगा, एक प्रोपोर्शन होगा। जैसे स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल है तो जो दूसरा स्क्वायर होगा कहीं ना कहीं वो उसके प्रोपोर्शन में होगा। दैट मीन्स कि अगर एक स्क्वायर की साइड 5 है तो नेक्स्ट की 5.5 हो सकती है। तो देयर इज प्रोपोर्शन, यू कैन से कि 1.1 टाइम्स हो रहा है 5.5। अगर हम देखें यहाँ पे तो 5 × 1.1 कितना होता है, 5.5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल मल्टीप्लाई होकर के नेक्स्ट स्क्वायर की साइड मिल रही है। लेकिन आइसोसेलिस ट्रायंगल में ऐसा नहीं हो सकता, जबकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा हो सकता है जैसा स्क्वायर में होता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, तो टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल।
आर तो यहाँ पर आपको फिल करना है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो प्रोपोर्शन वर्ड जो मैंने अभी यूज़ किया था वो यहाँ पर आ चुका है. तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो एंगल अगर इक्वल होंगे और साइड क्या होगी आपकी, प्रोपोर्शनल होगी, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएंगे आपके पॉलीगन सिमिलर हो जाएंगे. यानी कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है. स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है. गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर. तो सिमिलर फिगर के आपको दो डिफरेंट पेयर ऑफ एग्जाम्पल्स, डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर. तो आप सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं, अभी आप करके ही आ रहे हैं, जैसे आपका सर्कल हो गया, रॉम्बस हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया. तो दो ही पूछे, आप ट्रायंगल भी दे सकते हैं. तो आपको दो ही देने, सिर्फ ट्रायंगल में कौन सा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है. तो ट्रायंगल भी हो सकता है, नॉर्मल ट्रायंगल भी हो सकता है, लेकिन वहां पर एक सर्टेन क्राइटेरिया अगर फॉलो होगा तभी होगा. तो वो हम, जैसे आपने अभी पॉलीगन में देखा, पॉलीगन में कुछ क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तब वो सिमिलर हो रहा है. तो इसी तरह ट्रायंगल में भी हम करेंगे उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है. नॉन सिमिलर फिगर बहुत ही सिंपल है. कोई भी ट्रायंगल किसी भी रेक्टेंगल के सिमिलर कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है. ये स्क्वायर के सिमिलर नहीं हो सकता. या फिर आप कह सकते हैं कि जो सर्कल है वो किसी भी पॉलीगन के सिमिलर नहीं हो सकता, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. स्टेट whether the following quadrilateral are similar or not. तो यहाँ पे आपको following quadrilateral को बताना है कि similar है या फिर नहीं है. तो students यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों ही जो quadrilateral हैं आपके दो next space पे दिया गया. तो वैसे ये एक ही question क्या, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ बच्चों कि जैसे ये आप देख रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, ये rhombus है और ये क्या है बच्चों, स्क्वायर है. तो यहाँ पर अगर हम साइड्स के प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी तो फॉलो हो रही है, लेकिन आप सभी को पता है कि साइड के प्रोपोर्शनलिटी फॉलो होने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके पास एंगल भी इक्वल ना हो. अगर यहाँ पर एंगल आप देखोगे तो रॉम्बस का एंगल तो कभी 90 होता नहीं, जबकि जो स्क्वायर है उसका एंगल कितना है, 90 है. तो अगर ये एंगल 90 है और ये 90 नहीं है तो ये कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते, भले ही इसकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो. लेकिन अगर डेफिनेटली यहाँ पर 90 90 90 होता तो वी कुड हैव सेड दैट कि दिस इज सिमिलर. तो हम यहाँ पे लिखेंगे दीज क्वाड्रिलेटरल्स साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इन दीज क्वाड्रिलेटरल्स, इन दीज क्वाड्रिलेटरल्स sides are proportional sides are proportional but angles are not equal, corresponding angles you can say. तो जो फैक्ट हमने पॉलीनोमियल में यूज़ किया था, बट यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है. तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं हो गए तो डेफिनेटली यहां पर क्या होंगे आपका, दिस आर नॉट सिमिलर. तो इस तरह से बच्चों हमने ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए. आप इसको नोट कर सकते हैं. अगर आपके एग्जाम में 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको इसी तरह से इसको करना होगा जैसे मैंने आपको बताया.
तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।